फर्जी अकाउंट बना कई लोगों से ठगी करने वाला शातिर साइबर क्रिमिनल सोनू कुमार को औरंगाबाद की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह वही साइबर ठग है जिसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए औरंगाबाद के एसपी कांतेश कुमार के नाम और उनकी तस्वीर का गलत इस्तेमाल कर फर्जी अकाउंट बना एक व्यक्ति से 20,000 रुपये की ठगी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद औरंगाबाद के नगर थाना में 28 सितंबर को आईटी एक्ट के तहत इस मामले की एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद एक स्पेशल टीम का गठन कर इसकी जांच की जा रही थी। तभी अनुसंधान के क्रम में यह बात खुलकर सामने आई कि यह फर्जीवाड़ा यूपी के मथुरा से किया गया है। बाद में मथुरा पहुंची औरंगाबाद पुलिस की टीम ने शातिर साइबर क्रिमिनल सोनू को देवसेरस गाँव से धर दबोचा। गिरफ्तार सोनू के पास से पुलिस ने 3 मोबाइल तथा 5 सिम कार्ड भी बरामद किया है, जिसका उपयोग वह ठगी के काम में किया करता था। पूछताछ के क्रम में उसने बताया कि साइबर ठगी ही उसका पेशा है और इस पेशे से महीने का वह औसतन कम से कम 1 लाख रुपये तक कमा लेता है। हालांकि इस धंधे की वजह से वह पहले भी जेल जा चुका है। 28 सितंबर को एक मामला दर्ज हुआ था जिसमें कि हमारा फेसबुक अकाउंट क्लोन करके साइबर अपराधियों ने कुछ लोगों से पैसे की मांग की गई थी, जिसमें कि एक व्यक्ति द्वारा 20,000 रुपये इनको दे भी दिया गया था। इस संबंध में एक विशेष टीम का गठन किया गया था SDPO सदर के नेतृत्व में। उसमें तकनीकी अनुसंधान के बाद मथुरा के सोनू कुमार को पकड़ा गया है। इसने स्वीकार किया है कि इसके द्वारा ये कार्य किया गया है। पूर्व में भी ये चंडीगढ़ से जेल जा चुका है और इसका भाई भी इस तरह के कार्य में संलिप्त रहा है। इसके पास से 3 स्मार्ट मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है, 5 सिम कार्ड, जिसमें से कि जो 4 बताए फेक बताए जा रहे हैं, किसी और के पते पर लिया हुआ है, और साथ में इसका एक अपना आधार कार्ड भी मिला है। इसने बताया कि ये लोग अब पेशेवर अपराधी हैं और इस तरह के कार्य करके लगभग महीने के 50,000 से 1 लाख 1.5 लाख रुपये तक कमा लेते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और साइबर के क्षेत्र में हम सभी को सावधान रहनी चाहिए और अननोन लोगों को फ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, और जो तमाम तरह के जो साइबर जो टिप्स मिलते हैं उसका पालन करना चाहिए।